अंदर एक मेरी सोच थी, ऑल मीडिया काउंसिल एक पत्रकारों का संगठन मैंने बनाया था 5 मार्च 2015 को। पत्रकारों का संगठन पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन पत्रकारों के हितों की कोई बात नहीं करता है। उस सोच को लेकर मैंने 5 मार्च 2015 को ऑल मीडिया काउंसिल की स्थापना किया और पत्रकारों के हितों के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं। कुछ राज्यों में पत्रकारों की मांगों को भी सरकार ने माना है और प्रधानमंत्री श्री से लेकर राष्ट्रपति महोदय गवर्नर तक मैंने पत्र लिखा, मुलाकात किया और पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग किया। इसके बाद मैंने एक गरम दल जो परसों मीडिया के समक्ष मैंने बनाया। गरम दल का मेरा मूल उद्देश्य है कि गरम दल ना तो चुनाव लड़ेगा ना चुनाव लड़ाएगा। गरम दल एक ऐसा दल होगा जो मात्र नौजवानों का दल होगा, जिसमें 18 से 50 साल तक के युवाओं का समावेश होगा। उसके बाद जो भी 50 के ऊपर जाते हैं उनको हम सलाहकार मंडल में लेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये युवा प्रधान देश है। युवाओं की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन युवाओं को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व नहीं मिलता है, इसलिए हमने गरम दल की स्थापना किया है। गरम दल में हम बिना जात पात भेदभाव के सभी युवाओं का समावेश करेंगे, चाहे वह किसी भी जात का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, सभी युवाओं का हमारे इस गरम दल में स्वागत है। युवाओं की एक सोच होती है कहीं न कहीं, लेकिन किसी कारणवश वह अपनी सोच को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसे युवाओं को हम साथ में जोड़ेंगे ताकि वह देश और समाज की दिशा और दशा बदलने में वो उनकी सोच को हम लेंगे, क्योंकि युवा आज बेचारे बेरोजगार पड़े हैं और उनको आज न रोजगार है न कोई काम है, इसलिए युवाओं को रोजगार मिले ऐसी हम मुहिम चलाएंगे। क्यों कि सरकार में कुछ ऐसे बंधारण हैं कि अगर एक 8वीं पास चपरासी होता है, 8वीं सरकार का एक रूल्स है कि अगर आपको पानी भी पिलाने के लिए नियुक्ति होगी तो 8वीं पास आपको होना जरूरी है। 8वीं पास होगे तो ही आपको चपरासी की नौकरी मिलेगी। तो देश को चलाने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी हम एक लड़त लड़ेंगे। और दूसरी बात, एक MP या MLA वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है। क्यों कि जनता उसे चुनती है और मात्र 5 साल के लिए उसको चुनती है, और 5 साल के बाद अगर वो जनप्रतिनिधि चाहे MP हो चाहे MLA हो हार जाता है तो अभी गवर्नमेंट उसको एक BBBBBIP की तरह उसको सारी सुविधाएं देती है, उसको पेंशन तक मिलती है, सारी सुविधाएं। किस लिए, किस लिए उसको 5 साल के बाद अगर जनता उसको नकार देती है तो क्यों उसको पेंशन मिलती है? वो तो हमारी और आपकी तरह एक आम आदमी होता है, वो हमारी तरह आपकी तरह फिर हमारी श्रेणी में आ जाता है, तो उसको पेंशन क्यों? इससे अरबों खजबों रुपए ऐसे जो हारे हुए MP MLA हैं दिया जाता, वो देश का बर्बाद हो रहा है। हम इस पर भी पुरजोर मांग करेंगे। क्यों कि ये जो हारे हुए MP या MLA हैं उनको किस चीज़ का सरकार पेंशन दे रही है? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस अगर करते हैं, अगर 20 साल तक अगर ये बंधारण में 20 साल तक अगर हमने गवर्नमेंट का ही रूल्स है कि 20 साल तक अगर हम जॉब करते हैं सरकारी तो ही हमको पेंशन मिलती है, अन्यथा अगर हम बीच में कहीं छोड़ें तो पेंशन नहीं मिलती है। इसके लिए हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जो MP MLA को जो हारे हुए हैं उनके जो पेंशन की योजना या जो और सरकारी सुविधाएं हैं वो बंद करें। जहां तक बेरोजगारी की बात है या मंदी की बात है, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। क्यों कि आज जो भी काम 70 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई हैं उन कामों को उन्होंने किया है, और एक बैग किसी को या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा मिले ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो एक देश के हालात हैं वो बहुत अच्छे
आएंगे और आने वाले समय में मैं यही मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारों के लिए भी और युवाओं के लिए भी सोचेंगे। इन बातों को लेकर गरम दल कुछ कामों को लेकर प्रधानमंत्री की सराहना भी करता है और जो भी अच्छे लोग काम करेंगे हम उनकी सराहना भी करेंगे और जो गलत काम करेंगे हम उनका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों।